Thank you. Thank you. थैंक यू। ओके सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कांची आपको करना चाहूंगी क्योंकि यू नो कमिंग अप विद न्यू शो और वो भी खाने का। तो रोहन पहले आप बताइए कितनी अच्छी कुक है कांची। कांची बहुत ही अमेजिंग कुक है, ये पास्ता बटर के साथ बहुत अच्छा बनाती है और मैगी बहुत अच्छा बनाती है, तो बहुत अच्छी कुक है। और तो उसने मुझे कुछ आज तक बना के खिलाया नहीं है। I have cooked fish. Like fish? अच्छा हाँ, मतलब जो स्टीम मतलब उसको हाँ, मैं ओके व्हाटएवर स्टीम करा है बस, जैसे कि बॉईल करना कुक नहीं होता करना। हाँ वही तो, और मैं कांची को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ इसके शो में, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कितना अच्छा सपोर्ट भी कर रहा हूँ। बाहर बारिश हो रही है, शायद इसीलिए इसी को ये इसको लगे कि अरे अब तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, शायद इसी को ये मन पे लगा ले और अच्छा खाना बनाइए। यहाँ तो हेल्दी की बात चल रही है और हेल्दी खाना बनाना है, पास्ता और मैगी तो हेल्दी नहीं होते, तो आप दैट इज व्हाट इज द चैलेंज नाउ, दैट इज व्हाट आई लर्न। वही तो मैं कह रहा हूँ, that is what I learned that you know how to cook all these things in a healthy way and then I when I'll eat now in front of you I won't even ask you, no. After this no. So what are the challenges? challenges, बहुत मन करता है, बहुत cravings होती है कि you know रोज pizza खाए रोज pasta खाए, obviously वो चाहे कितना भी healthy हो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें रहती है, but I'm glad that we'll get to learn कि कैसे हम वो चीज़ें हेल्दी वे में खा सकते हैं ना, ऑडियंस भी रहेगी एंड फैंस भी रहेंगे जो हमारे साथ ये चीज़ सीखेंगे, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल द मोर एक्साइटिंग। एक्चुअली हम लोग भी फिटनेस में बहुत ज़्यादा है और जब हम जिम जाते हैं बहुत लोगों से मिलते हैं और उनको पता नहीं चलता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब वो लोग जिम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से और लेकिन तब भी उनकी कभी बॉडी नहीं बनती, तभी भी मोटे हैं और कहते हैं कि यार हम तो घर का खाना खा रहे हैं रोज़, लेकिन उनको ये जानने की ज़रूरत है कि घर का खाना हेल्दी खाना नहीं होता। घर का खाने में भी अगर आपको ऑयल नहीं डालना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप घर के खाने को भी हेल्दी बना सकते हो, तो वो सब चीज़ें और वो आई थिंक कांची हमें सिखाएगी और डेफिनेटली उसके बाद बहुत लोगों को हेल्पफुल भी होगा ये सब कुछ। तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं हूँ ऑब्वियसली और मेरी वजह से अब कांची भी हो गई है और जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका फर्स्ट शो था और अब एकदम आधी की भी आधी हो गई है और मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कांची ने इतना लूज किया और इतना एफर्ट्स डालती है जिम में। या सो रिग्रेसली सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स आई हैव बीन वर्किंग आउट एंड खाने पे भी बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है, मतलब 90% कंट्रोल कर लिया है। अब कभी-कभी क्रेविंग्स होती है तो हां जो था मेरा खाना लाइक व्हेन वी ट्रैवल देन आई चीट बट बहुत ज्यादा कंट्रोल किया एंड थोड़े-थोड़े एब्स आ गए। चीट फूड कौन सा है सबसे बेस्ट? पिज्जा और चाइनीज खाना मुझे बहुत पसंद है। पिज्जा चाइनीज। और कितना ऑफन चीट करती हैं? आजकल तो नहीं कर रही, आजकल नहीं कर रही, ऑनेस्टली नहीं करती मैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तब मैं खाती हूँ। कितना एक्साइटिंग होने वाला है ये शो, बिकॉज यू नो इट्स न्यू, फर्स्ट टाइम हम आपको इस कुकिंग शो में फर्स्ट टाइम देखेंगे और इस अवतार में भी फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं जहाँ पे आप कुक करने वाली हैं। आई गेस एक्साइटिंग ज़्यादा होने वाला है बिकॉज जो लोग हैं लाइक हेली सारा बरखा लाइक वी नो देम एंड आई हैव ट्रैवल्ड विद देम, ही आल्सो नोज देम, वी हैव ट्रैवल्ड विद देम विद पिज्जा, सो जितने भी लोग हैं यू नो सब अपने हैं एंड हम बहुत मस्ती करते हैं जब हम सब साथ में रहते हैं, यू सी नाउ व्हेन दे विल कम, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड बहुत डिफरेंट चीज़ है ये, लाइक टीवी एक्ट्रेसेस कभी कुकिंग करते हुए ना हेल्दी वे कभी किसी ने देखा नहीं है, सो मज़ा आएगा। और रोहन कितने अच्छे कुक हैं और कभी कुछ बना के खिलाया है? नहीं एक्चुअली जो मेरा खाना होता है बहुत हेल्दी होता है और बॉयल्ड चिकन हो गया, बॉयल्ड एग्स, स्टीम फिश और ये सब होता है, तो मैं कांची को खिलाता भी हूँ लेकिन इसको पसंद नहीं आता। लेकिन हाँ अभी मैंने कुछ नया इन्वेंट किया है, मैंने ओट्स को विद प्रोटीन शेक में जब मिक्स करता हूँ उसको खिलाता हूँ तो उसको बहुत पसंद आता है। ही मेक्स दैट। तो कुछ टिप्स देंगे आप कांची को कुछ अच्छा बनाने के लिए? मैं टिप्स तो क्या ही दूँ, मैं तो खाना बहुत ही ब्लैंड खाता हूँ और टेस्टलेस होता है, लेकिन हेल्दी खाने के लिए बहुत टिप्स दे सकता हूँ मैं। वही है कि मतलब अगर हेल्दी खाना है तो बॉयल्ड एग्स, बॉयल्ड चिकन और ब्राउन राइस वगैरह खाना चाहिए, ऑयल बिल्कुल मत डालो और जो भी बनाओ बस मैं तो खाना जो है खाने को मतलब टेस्ट के लिए नहीं खाता, मैं अपनी बॉडी के लिए हेल्दी खाने के लिए उस तरह से खाता हूँ, तो मैं एडवाइस नहीं दूँ तो वैसे बेटर है क्योंकि खाना टेस्टलेस ही लगेगा फिर। रोहन व्हिच इज योर फेवरेट फूड एंड योर आल्सो? Rohan's favorite food is butter chicken. Butter chicken. He loves butter chicken and if he wants to cheat, he'll go for butter chicken.
आई लव रोहन को बताने पिज्जा एंड चाइनीज बता फिर ही नो ओके एंड योर्स पिज्जा पिज्जा चाइनीज ओके सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे फिटनेस को लेकर हमारे डू सी दिस डू वॉच दिस इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आपको मजा आएगा थैंक यू ओके सो सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे अगर खाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए खाना खाना पसंद है या बनाना पसंद है जहाँ खाने का नाम आता है वहाँ तेजस्वी प्रकाश का नाम आता है और ये आप किसी भी एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछ सकते हैं मेरे बारे में दैट आई एम अ बिग 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 फूडी मैं जब भी फिट्स अप के साथ भी ताइवान गई थी तभी मैंने लाइक ऑब्वियसली आई वर्कड आउट एंड मैंने बहुत मेहनत की थी पर बाकी सब लोग बहुत अच्छे से शरीफों की तरह डाइट वाला खाना खा रहे थे एंड आई एम लाइक मैं तो कुछ भी खाऊंगी तुम लोग एंड आई यूज टू परफॉर्म वेल लाइक लकीली पर ऐसा हमेशा नहीं होता आई थिंक सबको डाइट सीरियसली लेनी चाहिए मेरे जैसे मत बनो I have so many. मैं अभी लंच के लिए मैंने पिज्ज़ा खाया है और आई लव बर्गर्स आई लव पानी पूरी आई लव मैं महाराष्ट्र हूँ सो ऑब्वियसली आई लव मिसल पाव आई लव ऐसा तीखा तीखा उसमें कांदा और नींबू डाल के और मिसल पाव तो ज़िंदगी है और वो उसके ऊपर वो चिवड़ा डालते हैं ना ऐसे क्रिस्पी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वो पका हुआ थोड़ा ऐसे बहुत अच्छा लगता है वड़ा पाव है मैं सब खाती हूँ मुझे समोसों के वो बीच से ज़्यादा वो जो फ्राइड एक्स्ट्रा फ्राइड अनहेल्दी कॉर्नर्स है वो ज़्यादा पसंद है यार आपने क्या सवाल पूछ लिया ये मतलब मैं कह रुकूँगी नहीं फिर ओके तो हेल्दी बाइट्स की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे आपको खाना बनाते हुए देखने मिलने वाला है आपके फैंस को अच्छा क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं पता ओह अच्छा नहीं मैं खाना अच्छे से पकाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से कहानियाँ भी पकाती हूँ तो मैं खाना कभी पका लूँगी आपको पता भी नहीं चलेगा ख्याली पुलाव बनेगा मेरे हाथ से तो आप प्लीज़ सब चखना और पसंद करना इसका मतलब आप नहीं 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 आई विल कुक इफ़ दे कॉल मी आई विल श्योरली बी अ पार्ट ऑफ देयर न्यू वेंचर एंड इफ इट इज़ अबाउट कुकिंग तो मैं कुछ सीख लूँगी मैं मेहनत कर लूँगी बट आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट कितनी अच्छी कुक है मैं बहुत अच्छे से खाना मैं बहुत रेयरली खाना बनाती हूँ पर मैं जब भी बनाती हूँ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ जेन्युइनली जो लोग बहुत ऐसे रेयरली बनाते हैं वो अच्छा ही बनाते हैं क्योंकि बड़ी मेहनत और ये सब प्रिसीजन के साथ करते हैं मम्मी लोगों को ऐसे रोज़ रोज करें इतना क्या कर रही चल अभी जल्दी तो मम्मियों का खाना वो रोज़ रोज़ की वैसे अच्छा बनता है और आप क्या अच्छा बना लेती हैं मैंने चिकन चीज़ फ्रिटर्स बनाए थे ऑब्वियसली उसमें चिकन है फ्राइड है और चीज़ है तो बहुत अनहेल्दी है पर मैंने वो बनाया था और मैं कड़ा प्रसाद बड़ा अच्छा बना लेती हूँ हाँ सी मैंने जब भी करण संगनी शुरू किया था उसके एक महीने पहले तक मैं वर्कआउट कर रही थी जो मेरी करण संगनी बॉडी में दिख भी रहा था एंड देन जैसे वो शो ख़त्म हुआ सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे इतने बड़े स्पैन से वर्कआउट करने का मौका ही नहीं मिला है पर अभी जो मैं करने जा रही हूँ इट रियली रिक्वायर्स मी टू बी वेरी फिट तो अभी आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम अगेन नहीं अभी तक मैंने एक भी नहीं किया है नहीं किया बट आज मैंने दोपहर को दो स्लाइसेस पिज्ज़ा के खा लिए थे पर वो थिन क्रस्ट पिज्ज़ा था ओके सो लास्टली फिटनेस कितनी ज़्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट है मैं जैसे कि मुझे जब तक आप डाइट ना करने बोलो मैं वर्कआउट कर सकती हूँ इट्स लाइक मैं अपने ट्रेनर को भी बोलती हूँ कि मैं जो आप जितना वर्कआउट बोलोगे मैं करूँगी तो मैं डाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हम कमाते हैं इतनी मेहनत करते पेट के लिए और इतना मर मर के हम कुछ जो चाहे जो पसंद करते वो खा ही नहीं पाए तो मतलब ही नहीं है तो ये मेरी सोच है पर जो बहुत गलत सोच है आई थिंक हेल्दी खाना चाहिए हेल्दी रहना चाहिए हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है अभी अगर आप कुछ भी खा के फिट हो ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी आप ऐसे ही रहो तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं एक टिप देना चाहेंगे हाँ प्लीज़ आप जितना आप खाते हो उतना बर्न करो बस दैट इज़ द पॉइंट कुछ भी खाओ पर वो बर्न करो दैट्स Thank you so much. Thank you.
थैंक यू. In a healthier way. Now they can't be anything as interesting as this. So we are calling the beauties of Sunflame Healthy Bites. They have entertained us on television for a number of years, and body. And along with Bakav, you would also want to call upon Miss Kanchi Singh. Kanji, how are you doing? All great. All right, everybody out there, everybody there at the back as well. Apni plates lekar aa jao yahan pe, koi baat nahi, khana to chalta rahega. But yes, all of you having the wine glasses in the hands as well, please, wahan se agar aap aage aa jao to bahut acha. So well, we've got Patna with us, we've got Kanji here with us. You are supposed to have Sara Khan, but she's on her way. She will be here in a moment from now. And along with Sara, we also will be having Harisha. मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मतलब ऐसा मेरे हस्बैंड बोलते हैं. बट नहीं, मैं खाना अच्छा ही बना लेती हूँ. या और इस शो में तो हेल्दी बनाना है, तो क्या प्लानिंग कर रखी है, माइंड में कुछ है कि क्या बनाना है, किस तरीके से हेल्दी करना है? यू नो, हेल्दी कैसे करना है वो तो बताएंगे. आई थिंक हम जब हेल्दी बाइट्स के एपिसोड शूट करेंगे, आई थिंक जो शेफ़ होंगे हमें बताएंगे कि वो खाना हेल्दी कैसे बन सकता है. बट आई रियली वॉन्ट टू नो कि जो खाना मैं खाती हूँ, जो हमारा नॉर्मल खाना होता है, नॉट हेल्दी फूड, नॉट डाइट फूड, जो हेल्दी मतलब जो नॉर्मल खाना जो मैं खाती हूँ उसको हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं. बिकॉज मैं खाना नहीं छोड़ सकती है, एंड आई कांट ईट डाइट फूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि डाइट फूड बोरिंग हो जाता है, टेस्टलेस होता है, मुझे तो भूखी लगनी बंद हो जाती है डाइट फूड खा के. सो आई एम रियली वेटिंग टू सी कि जो खाना मैं रोज़ खाती हूँ, जो मुझे पसंद है, वही डिशेज़ मैं हेल्दी वे में कैसे बना सकती हूँ. और फेवरेट जंक फूड कौन सा है? फेवरेट जंक फूड पिज्ज़ास. या आई लव पिज्ज़ास. पिज्ज़ा, वो भी चीज़ बर्स्ट, वो भरा हुआ, मतलब चीज़ से भरा हुआ जो होता है वो, आई लव पिज्ज़ास. या हेल्दी फूड अकॉर्डिंग टू मी इज़ बोरिंग. मुझे तो हेल्दी फूड के नाम से मतलब बॉयल्ड वेजिटेबल्स, बॉयल्ड चिकन, स्टीम्ड फिश, मतलब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं. मेरी तो एपेटाइट, आई रियली लूज माई एपेटाइट. या हाउ डू आई मेंटेन माई सेल्फ? आई नो, नहीं मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, चीट डेज पर खाती हूँ, वो चीट डेज बहुत हो जाते हैं. बट मैं आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड, बट आई ईट एवरी थिंग, लेकिन मैं मॉडरेशन में खाती हूँ. आई थिंक दैट समथिंग जो मैंने कुछ टाइम से सीखा है कि कम खाओ जो भी खाओ. एंड एक चीज़ जो आई थिंक मैंने अपने पूरे लाइफ स्टाइल से कट कर दी है, विच इज़ स्नैकिंग.
तो आई थिंक लड़कियों को ही ज़्यादा होता है पानी पूरी, वड़ा पाव, समोसा, कचौड़ी, चिप्स, ये सब खाने का बहुत शौक होता है. मुझे भी बहुत था, तो आई थिंक दैट आई हैव कट फ्रॉम माय डाइट कम्प्लीटली. अब मैं सिर्फ खाना खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दैट्स इट. सबसे ज़्यादा फिटनेस फिटनेस पे ध्यान तो वो ही देता है क्लियरली, उनकी वजह से मैं भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देती हूँ. बट हीज़ फेवरेट मील, ही इज़ अ बंगाली, ही लव्स फिश, सो या. नहीं, मुझे एक्चुअली ज़्यादा सी फूड पसंद नहीं है. आई ईट मटन, आई एम अ मटन ईटर. माई फेवरेट फूड बट इज़ राजमा चावल. जिम में बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत, मतलब एक डेढ़ घंटा हो ही जाता है, लेकिन एक डेढ़ घंटा हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं. मतलब आजकल तो जिम में लोग वर्कआउट कम, सेल्फीज ज़्यादा खींच रहे होते हैं, बट हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं. वो एक डेढ़ घंटा वी डोंट डू एनीथिंग एल्स बट वर्कआउट, एंड बहुत मेहनत करते हैं. आई नो ये नए टैटूज गाइज, प्लीज़, ओके. ये मैं चंद्रगुप्त मौर्य में जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली शूट से यहाँ पर आ रही हूँ, तो टाइम नहीं मिला इन टैटूज़ को हटाने का, बट काफ़ी कूल से हैं, राइट? बट नहीं, ये मेरे कैरेक्टर के लिए है, दिस इज़ नॉट माई रियल टैटू. आई गेस पीपल वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एज ऑफ नाउ तो आई एम बिजी विद टेलीविजन, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी इन दिस स्पेस राइट नाउ, सो लेट्स सी इसके बाद क्या होता है. यार फिटनेस टिप्स तो मैं क्या बोलूँ, आई थिंक हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी का रहन सहन अलग होता है, बट देयर इज़ ओनली वन रूल टू फिटनेस एंड यू नो टू लूजिंग वेट. आई थिंक सबसे ज़्यादा औरतों को यही होता है, हाउ डू वी लूज़ वेट. मेरा बहुत सिंपल लॉजिक कि आप जितना खाते हैं दिन में उससे ज़्यादा बर्न कर लीजिए दिन में, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू विल लूज़ वेट. डाइट करके, स्टार्व करके कुछ नहीं होगा, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग दैट वेट इज़ गोइंग टू कम बैक. तो आप जितना भी खा रहे हैं मेक श्योर यू बर्न इट. जिम नहीं जा सकते, गो फॉर वॉक्स, वर्कआउट एट होम, मतलब देर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो व्हाटएवर यू ईट मेक श्योर यू बर्न इट. दैट्स इट. थैंक यू.